शादी कब हुई थी आपकी? शादी तो मेरी बेटी 1-2 में, शायद टू अच्छा, में लव थी, थी। अरेंज थी? दोनों चीजें कहते हैं आपने। अच्छा, मतलब और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे एक बेटी है मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हैं सब। माशाल्लाह बेटी ने भी पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, माशाल्लाह बच्चे हैं बिल्कुल माशाल्लाह। और एक ही शादी है आपकी? जी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। और अच्छी कोई? बात है, जी। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है। और कोई वाकया आपको याद है, जब जाहिर है आप बहुत बड़े, अभी भी आप स्टार हैं, लेकिन जवानी में कोई खातून ने कोई गिफ्ट वगैरह पेश किया हो, कोई प्रपोज किया हो, इस तरह के कोई वाकयात अगर कोई? नहीं, मेरी जल्दी शादी हो गई थी, बहुत जल्दी अच्छा शादी हो गई थी। अच्छा और लाजिम बात है कि मैं, मतलब जिस तरीके से मेरी आदत थी, और मैं जी था, जी मैं बातें मजाकें तो हर एक से, मैं जब जी क्रिकेट में ग्राउंड में मजाकें करता था, जी हर चीज़ जी करता होता था शादी, तो एक ऐसी ये थी। मगर कभी भी कोई ऐसी सीरियस चीज़ या कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। शादी के और बाद भी कभी ये नहीं आया सबसे बड़ी कोई? बात यह है कि मेरी तरबियत जो है वो बड़ी अच्छी हुई, बड़ी माशाल्लाह। सादगी में, नहीं, आपकी तो अच्छी अच्छी, हुई। क्योंकि अपना ही वो ही ना, ओ हमें जो ठीक। मिली जो चीज़ ना, वो जी वहां से जी मिली कि जी वो घराना जो है ना, वो घराना ऐसा घराना मिला कि वो उसी से है ना आज फले। वो नहीं था कि कोई, मेरे फादर कोई बिजनेसमैन नहीं थे, कोई टाइकून नहीं थे। सिंपल काम करना, मेहनत करना, कमाना, बच्चों को पाला पढ़ाया, सबसे अच्छे एजुकेशन पे बिलीव करते थे, सबको एजुकेट उन्होंने, माशाल्लाह। मेरे सब भाई बहन जो हैं, 2 बहनें, 5 भाई हम लोग हैं, जी 4 भाई सब मतलब ग्रेजुएट किए, MA भी किया, सिस्टर ने भी सब, है ना। तो हमारा माशाल्लाह। घराना ये मेनली थी, मेरे फादर, और कंट्रोल करते थे। आपने कहाँ तक तालीम की? मैं फर्स्ट ईयर इंटर में, अच्छा, मैं क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में क्रिकेट में आ गए तो फिर मैंने लिया एडमिशन, उसके बाद फिर मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। जब भी हमने अभी पहले भी बात की कि जो पहला दौर था पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, बड़ा अच्छा दौर था, इंडिया भी पाकिस्तान आ जाता था, हम भी वहां जाते थे, बड़े अच्छा आपका दौर था, दोस्तियां भी थी, ताल्लुक भी था। आज काफी मुश्किल है, लेकिन आपकी दोस्ती अभी भी इंडियन किसी खिलाड़ी से है वैसे जिस हाँ तरह हाँ पुरानी दोस्तियां बंसालकर, थी? गवास्कर, हम सब मोबाइल पे हमारी बात होती रहती अच्छा, है, सबसे अच्छी दोस्ती मैचों में किसके साथ है। है, ज्यादा गपशप किससे होती है इंडिया में? इंडिया में मतलब मेरे साथ लाजमी बात है बंसालकर है, जी गवास्कर है, सुनील गवास्कर है, जी सारे इनसे बड़ी रहती है, क्योंकि ये टच में भी है ना, ये जी ऑलरेडी क्रिकेट के अराउंड भी है ना। बहरहाल ये है कि जो भी बात करता है या मिलते हैं, मगर अब लाजमी बात है कि इतना दूर है जिसकी वजह से वो आप नहीं कहते, मगर ये है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़े मोहब्बतें हैं, बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं। जब भी किसी भी प्लेयर से मेरी बात अगर इंडिया में होती है तो बड़े अच्छे माहौल में होती है, तो अभी आप लोग क्योंकि इंडिया के, ठीक है, देखिए वो सबको हक है कि मेंटली वो इनसाइड जी, बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इनसाइड से वो मानते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। मगर क्या है कि एक इंडिया का माहौल कुछ उनके इंडियन के लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बेचारे लोग डरते हैं, बोलना चाहते हैं मगर नहीं बोल नहीं बोल सकते। सकते हैं। और ये वहां का है ना लाजिम बात है, कुछ जो, एक तो ये गवर्नमेंट जो है, पहले भी तो गवर्नमेंट जी थी, जी वाजपेयी थे, जी उधर जी थे, वो बिल्कुल खुद बिल्कुल आए गए ये गए। बिल्कुल मैं बिल्कुल आज भी मोदी साहब को पहले से मैं यही कहता था कि देखें ये तलवारें ये वो, उससे काम नहीं, हम नेबर हैं, हम कभी कम हट ही नहीं सकते एक दूसरे से। कल तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, आने वाले हो सकते हैं हाथ मिल के बैठ रहे होंगे, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है जो ना पाकिस्तान के दूर हो सकता है ना इंडिया, ये तो इकट्ठे ही रहना, ये एक तो ही रहना ही नहीं है, खत्ता ये तो है, वक्त पता एक नहीं कब आएगा, खत्ता कौन सा ऐसा आ जाएगा, उस वक्त हो सकता है कि मुश्किलों से करना पड़ेगा फिर। है। तो बेहतर है कि पहले समझ के तो अच्छे देखिए, तरीके से कर लीजिए रिलेशनशिप चीजें। सारी दुनिया से होने चाहिए, ये नहीं। और मगर नेबर जो होते हैं उन उनसे चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप नेबर हैं। अब देखिए, मैं बॉर्डर पे गया हूं, यूं एक लकीर, आपने वहां पैर डाला, आप इंडिया में, अगर मैं एक पैर उधर डाल लूं एक इधर डाल लूं, मैं दोनों आधा जगह इंडिया में आधा आधे पाकिस्तान इंडिया या दे। और मैं गया हूं बॉर्डर पे, में। अच्छा कोई बॉर्डर पे भी उनके भी जो बेचारे जो, जो सिपाही है वो इतने प्यार मोहब्बत से मिले हैं, फोटो खिंचवाए। तो बॉर्डर पे भी कोई टेंशन नहीं है, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वाघा बॉर्डर पे गया हूं मैं, वो आते हैं, वो सब जानते हैं,
तो एक विषम में बच गई है, मगर जब तक आपने दोनों दोनों पार्टी की तरफ से बैठ के, तो दोनों को फायदा होगा। पाकिस्तान ये नहीं कि इंडिया को ही फायदा होगा, वो गलत फहमी में है, क्योंकि हम इंडिया से बेहतर हैं। आपको मैं बताऊं, आप लगाए कि उनका एक रुपए में इतने आवाम को वो संभाल सकते हैं। 100 करोड़ की आबादी है इनकी, समझे जी जी। और हमारी क्या, हम तो बीज, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तो इंशाल्लाह, हमारा इतना नहीं, उनके उधर प्रॉब्लम है। आधे लोग है ना बेचारे है ना भूखे सोते हैं। आप जाए तो सही, आप अभी जी जी, आपने बॉम्बे में भी जो वो है क्या बोलते हैं फुटपाथ है जी, फुटपाथ भरी भी होती है रात को। इतने इतने से है ना आपके ना वो देख लें कि रूम, अब वो करोड़ों के हैं। बॉम्बे में फ्लैट से आप वो फ्लैट, यहाँ फ्लैट और वहां फ्लैट में जमीन आसमान, तो अल्लाह का शुक्र है। हम ऑनेस्ट हम वी आर बेटर, अल्लाह का इतना करम है कि जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे लोग रह रहे हैं कि माशाल्लाह। आप जाए दूसरी जगह, इवन आप इंग्लैंड चले जाए, अमेरिका चले जाए, पार्टीशन से कमरे बने हुए, जी जी, छोटे छोटे घर होते हैं, पार्टीशन, जी जी बिल्कुल, वो कंक्रीट भी नहीं होती, जी जी जी, वो लगा दिए पट्टा, लकड़ी की लकड़ी पार्टीशन, जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो हमें बहुत कुछ मिली भी है, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है दुनिया को मैच करते हुए, राइट। हाँ, बस ये है कि हमारे बस ये है कि अक्सर जो दुनिया जो है ना वो एक डिफरेंट तरीके से देख रही होती है, और भाई हम टेररिस्ट लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही है ना। हम वो लोग हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन लोग हैं, हम स्क्वाश में वर्ल्ड चैंपियन, हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन, क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन, तो हम ऑल वर्ल्ड चैंपियन लोग हैं, बिल्कुल।